साथियों, आज हम एक नींबू की बागवानी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो बात आसानी से पकड़ नहीं पाते किसान भाई, वो बीमारी कब आ गई और कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे उसको रोके, क्योंकि वो इतना धीरे धीरे करती है, जब तक किसान उसको पता लगाता है इतना वो पौधे को ख़त्म कर देती है। वो है साथियों जड़गल। पहले तो आप मेरे प्लांट देखो, ये 3 साल का प्लांट है, तो इस पे हर स्टेज का नींबू हम निकाल गिरे पूरा, ये देखो झुके हुए हैं और इसमें साथ के साथ फ्लावरिंग भी है, ये देखो इस पे चारों तरफ, और ये छोटे नींबू हैं जो तैयार है, मतलब मल्टी स्टेज नींबू है। और ये ऐसे ही मेरे हर प्लांट को, वो बीमारी कमाइन प्लांट के कंपैरिजन से आपको बताऊंगा भाई कैसे पता लगेगा किस प्लांट में क्या बीमारी है। अब इस पे देखो आप, इस प्लांट पे, इस प्लांट की हाइट, इसका फैलाव देखो, मतलब इसकी एवरेज 80 किलो प्लस की है और हम इससे 2-3 महीने से निकाल रहे हैं, लेकिन साथ के साथ देखो इसकी फ्लावरिंग और टहनी पे कितनी फ्लावरिंग है, ये देखो सारे जो भी टहनी खाली हुई वहीं से देखो, और फ्लावरिंग गुच्छे के अंदर है। और ये छोटे नींबू, ये देखो ये सारे जो, मतलब पूरा साल नींबू 11-10 महीने इन पे नींबू चलता है। ऐसे ये मेरे सारे प्लांट हैं जो साथ से लगाए हुए हैं और इनका बिल्कुल ये नीचे झुके हुए हैं सारे, इससे इतना इन पे वजन हो रहा है नींबू का, और जो हम लगातार निकाल रहे हैं। और किसी भी पौधे पे देखो आप, सब पे फ्लावरिंग चली हुई है, जो भी टहनी खाली है किसी भी प्लांट की, कोई भी टहनी देखो आप, ये फ्लावरिंग चली हुई है इस पे देखो आप। और एक और है साथियों, इस प्लांट का मैं आपको बताता हूँ, इसका जो नींबू का साइज है इतना परफेक्ट है, देखो इस पे, मतलब इसी एक प्लांट से चाहे अभी हम 10 किलो नींबू निकाल लें, इस पे इतने लगे हुए हैं अंदर चारों तरफ। तो बात आते हैं साथियों जड़ गलन पे। अब आप ये देखो, ये प्लांट पे फ्लावरिंग है, छोटा नींबू, हरा नींबू, तैयार नींबू, और इसका फैलाव देखो पूरा सारा, इस पे कितना निकाल रखा और कितना हो रहा है देखो, और पूरे साइज के नींबू हैं जो नीचे लटके हुए हैं। तो इस नींबू की और इस प्लांट को देखो आप, इस पे कहीं इसके पत्तों का रंग देखो आप, और इस पे जो नींबू हैं वो भी थोड़े हैं, और इसकी और इस प्लांट की उम्र सेम है। तो ऐसा क्या कारण है भाई, ये प्लांट यहाँ रुक गया है? तो इन प्लांट के अंदर साथियों जड़ गलन की बीमारी है धीरे से, जो किसान पकड़ नहीं पाता। ये पौधा जब दिखाता है, जब पौधे पे सितंबर अगस्त सितंबर में फ्रूटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो जो पौधा अपने जिस पौधे की ग्रोथ रुक गई तो समझो उसके अंदर जड़ गलन की बीमारी है, क्योंकि देखो इस पे कोई फ्लावरिंग नहीं, अभी ये टहनियाँ सूखने लग गई हैं इसकी धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे पौधा, क्योंकि क्या होता है इसकी एक साइड की रूट में बीमारी आ गई तो दूसरी रूट से वो खाना ले रहा, तो पौधा चलता रहता, लेकिन जैसे फ्रूटिंग ज़्यादा होती है तो वो फिर वो स्ट्रेस, इसके काफ़ी फ्रूटिंग तो मैंने तोड़ दी थी भाई, इस प्लांट को बचाना है। तो अब साथियों जड़ गलन में, अभी आप एक साइड से इसको खोद के देखोगे कहीं से भी अगर चारों तरफ से, तो इसकी जड़ काली हुई मिलेंगी, ये जड़ गलन की पहचान है। और जड़ गलन में जो साथियों मेरा एक्सपीरियंस है 3-3.5 साल का, तो जड़ गलन में बोर्डेक्स मिक्सचर से बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई केमिकल डाल लो आप कुछ करो, लेकिन जो नीले थोथे और कली से बोर्डो पेस्ट या बोर्डेक्स सोल्यूशन तैयार होता है उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी, कम से कम जो बागवानी हम करते हैं नींबू की, और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत से बाग देखे हैं, मतलब करनाल में एक बाग में एक साल में 1500 प्लांट सूख गए थे, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ किसी भी बाग में देख के आता हूँ, कोई कहता है मैंने 100 नए लगाए हैं, कोई कहता है 150 नए लगाते हैं। जमींदार क्या करते हैं, पौधे तो बदलते रहते हैं लेकिन उस जड़ पे तो नहीं जाते भाई, ये सूख क्यों रहे भाई, इन्हीं को बचाएं। अब साथियों ये मेरा प्लांट था, मेरे को जैसे ही पता लगा मैंने इसकी मोटे मोटे सारी फ्रूटिंग कम करके और इसके चारों तरफ घेरा बना के इसमें मैंने 10 लीटर 1% बोर्डेक्स मिक्सचर डाला है, और अब ये 2-1 महीने में, मतलब जैसे ही अपना 1-2 महीने में ये सर्वाइव कर जाएगा, मतलब अब ये सूखेगा नहीं प्लांट धीरे धीरे, जिस स्टेज पर इसका जड़ गलन बंद हो जाएगा, जड़ों की थोड़ी फिर ग्रोथ शुरू होगी तो रिकवर हो जाएगा ये प्लांट। और ये सबसे ज़रूरी काम है नींबू की बागवानी में,
और ये मैं आपको दिखाता हूँ बोर्डेक्स मिक्सचर के लिए, मैंने वैसे तो वीडियो डाल रखी है लेकिन आपने नीला थोथा जो यूज करना है ये डले वाला यूज करना है नीला थोथा, क्योंकि अगर आप पिसा हुआ लेके आओगे तो पिसा हुआ नीला थोथा मतलब वो नकली है, वो कली के अंदर नील मिला के 20 रुपये किलो की चीज़ किसान को 270 रुपये 300 रुपये बेच देंगे। और इसको भी अपने शहर से बड़ी किराना की दुकान से लेओगे तो 250 से 300 के बीच का रेट है, बाकी कोई जैसे मर्जी छोटे शहर हम 500 रुपये में ठगते हैं किसानों को। तो इसके लिए साथियों पूरे साल में कम से कम 4 बार पौधों में 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो कली का बोर्डेक्स मिक्सचर बना के 4-5 बार पौधों में ड्रिप के साथ या पानी के साथ ज़रूर चलाएँ, और जिस पौधे में ज़्यादा दिक्कत लगे तो उसमें तुरंत 10 लीटर डालें चारों तरफ इसका घेरा बना के। यही इसका आखिरी इलाज है, अगर ये प्लांट को बचा गया नहीं कोई दवाई भी जड़ गलन को रोक नहीं सकती ना प्लांट को बचा सकती।